मनोरी बाजार महर्षि दयानंद बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के नागरिक उड़यन, राजनीतिक, पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम एवं हज मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के द्वारा कानपुर में 8 जनवरी को आयोजित आगाज 2022 कार्यक्रम के संदर्भ में एक विशाल व्यापारियों का महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मनोरी चायल, चरवा, पूरा मुफ्ती, तिलहपुर मोड़, काजीपुर, भरवारी, सराय, अकील आदि क्षेत्रों के हजारों की संख्या में व्यापारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और व्यापारियों ने नंद गोपाल गुप्ता को विश्वास दिलाया कि हम आगाज 2022 के कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में विधायक संजय गुप्ता का भी आगमन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता शंकर लाल केसरवानी ने किया। नंद गोपाल गुप्ता का भरवारी, चरवा, सैयद सरावा, मनोरी बाजार में बहुत जोरदार स्वागत हुआ। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से भाजपा को उत्तर प्रदेश में लाना है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। लगातार उन्होंने जो काम किया उसका नतीजा रहा कि 2017 में भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली। भारतीय जनता पार्टी को जब प्रचंड बहुमत मिली तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई। उन्होंने प्रदेश का चौकी विकास किया, गुंडे अपराधियों का संपूर्ण नाश किया। सर, आने वाले समय में आगाज का आपका कानपुर में कार्यक्रम है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसा कि सर विदित है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को दुनिया की सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम कर रहे हैं। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बने इसके लिए प्रधानमंत्री जी अनेकों अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं देश को और प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं से भयमुक्त जो माहौल बना है उससे उत्तर प्रदेश में व्यापार को तेजी मिली है, गति मिली है। इसको और रफ्तार कैसे मिले इसके लिए आगाज में 8 जनवरी को मंथन होगा। भारत सरकार के SSV कैबिनेट मंत्री वह शिरोमणि आदरणीय पीयूष गोयल जी का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रेरक मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। हमारे व्यापार को और तेज गति से कैसे विस्तार मिले। गुंडे माफियाओं का संपूर्ण नाश हुआ है। जिस तरह से व्यापारियों की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करने का काम किया है, आज दुनिया में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बना है इन्वेस्टमेंट का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश कभी गुंडों और अपराधियों के चंगुल में फंसा था उससे मुक्त करने का काम किया है। और सारे व्यापारी समाज में पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा था, तमाम व्यापारिक संगठनों ने दिया कि 5% से 12% हो रहा है GST कपड़े पर, ये रुकना चाहिए। मैं कई मंडलों में गया, जब लगातार मुझे शिकायत मिली मैंने अपना दौरा रद्द करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करी। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को अवगत कराया। आदरणीय पीयूष गोयल जी के